अभी मॉर्निंग का 9 o'clock हो रहा है, मैं गुवाहाटी में हूँ और विंटर का सीज़न है। बट ये जो ट्रिप हुआ था ये विंटर और रेनी सीज़न के बीच वाला ट्रिप है। ये जो है मेरा सबसे लॉन्गेस्ट राइड है आज तक का। ये ट्रिप चालू हुआ था पुणे से। आता अपन निघालो आहे लोणार साठी, छोटीशी बाग आहे पाठीमागे, आणि आत्ता वाजले आहे 9:30। पुण्यावरून निघतो आहे लॉ कॉलेज रोडने, सो लेट्स गो। मेरे साथ में और एक मेरा दोस्त था, उसने पूछा था कि मैं आऊँ क्या तुम्हारे साथ, क्योंकि मेरा जो प्लेस है लोनार इट्स अ वर्ल्ड फेमस क्रेटर। तो उसने एक बार पूछा और मैंने बोला हाँ चलो चलते, उसने ज्वाइन किया और हम लोग वहाँ से जो है पुणे से निकले। सो मेरे पास में काफ़ी सारा सामान था बैग के ऊपर वगैरह, तो वो सामान लेके हम बाइक पे निकले। सो कैसे वैसे करके मैंने वो सामान ले लिया और बीच में औरंगाबाद के पहले एक जगह पे वो बैग का जो लेस टूट गया, इसलिए वो बैग मुझे कैरी करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो औरंगाबाद में मेरे भाई के पास में रुका मैं थोड़ी देर, और महाराष्ट्र का बसे से रहता है उसमें बस में डाल दिया। फिर औरंगाबाद से हम निकले लोनार के लिए। बीच बीच में ना बारिश होती थी, तो मतलब यहाँ पे बारिश हो रहा है तो 2-3 kilometers के बाद में कुछ नहीं होगा, फिर आगे जाओगे तो और बारिश होगा, ऐसे चल रहा था बीच बीच में। फिर हम भीग रहे थे, फिर चल रहे थे, बट रुक नहीं रहे थे क्योंकि हमें पता था कि ये बारिश यहाँ पे है, 2 kilometers के बाद में नहीं होगा। तो इसीलिए हम जर्नी कंटिन्यू किया और फिर फाइनली लोनार में पहुंच गए। फिर वो दोस्त एक दिन रुका और उसके बाद में ही वेंट बैक टू पुणे। उसके बाद में मैंने 4-5 days घर पे मस्त एंजॉय किया और फिर निकला गुवाहाटी के लिए डे वन। मेरे गांव से रिसोड वाशिम होके मैं समृद्धि हाईवे पे पहुंच गया। आते समय समृद्धि हाईवे जो है वो चालू नहीं हुआ था और पूरा रोड खाली, जैसे कि वो रोड जो है मेरे लिए बना है, और बहुत सुंदर लग रहा था। मतलब पूरा रोड जो है खाली था, स्पीड का जो लिमिट था वो था 120 kilometers, क्योंकि वो रोड पूरा सिक्योर है, मतलब काफ़ी अच्छा था। सोचो कि अगर रोड का ही स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर्स का है तो रोड का क्वालिटी कैसे होगा। तो आई वाज लाइक ड्राइविंग क्रेजी। बहुत जगह पे बीच बीच में बारिश हो रहा था, खतरनाक बारिश हो रहा था, लिटरली मतलब धुआधार बारिश। बट मुझे ये पता था कि ये बारिश अभी हो रहा है, 2 kilometers के बाद में बारिश नहीं होगा, 3 kilometers के बाद में बारिश नहीं होगा। तो फिर मैंने गाड़ी चालू रखा बीच बीच में, मतलब थोड़ा बहुत कभी मन करता था रुकने का तो रुक जाता था, तो मतलब ज़्यादा नहीं रुका, ऐसे 2 hours के बाद में 1 hour के बाद में, बिकॉज राइड करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हाथाला थोड़ा थोड़ा वाताला सरका होते कारण पाउस पड़ला है, ज़बरदस्त पाउस होता। आत्ता तुम्ही बघितलं असेल फुटेजमध्ये, आणि इथे आत्ता परत पाणी वगैरे पिलं आणि आता इथून निघू आपण। जब ये रोड पे गाड़ी चला रहा था तो इतना मस्त लग रहा था ना कि इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस किया कि इतना लॉन्ग रोड है और पूरा अकेला गाड़ी चला रहा हूँ, रोड पूरा खाली है, और ये बहुत अलग लग रहा था। मतलब वो खुशी जो है वो अलग ही था। तो ऐसे करके मैंने ये समृद्धि हाईवे पर काफ़ी डिस्टेंस फटाफट कवर किया फर्स्ट डे पर। बट फिर एक जगह पे ऐसे हुआ कि मुझे ना गाड़ी से थोड़ा वाइब्रेशंस आने लगे, तो मैंने सोचा कि देखते हैं। तो फिर देखा तो गाड़ी थोड़ा साइड में लिया तो गाड़ी पंक्चर हुआ था, और फिर वहाँ से गाड़ी में नीचे लेके 1-2 kilometers तक धक्का मार के लेके गया। मैंने सोचा कि चलो रिस्क नहीं लेते क्योंकि ऑलरेडी पंक्चर है, फिर से बैठ के लेके जाऊँगा। मतलब ट्यूबलेस टायर था तो लेके जा सकता था, बट मैंने आराम से उसको पंक्चर वगैरह निकाला। एक ही पंक्चर था शायद, कुछ वो रोड अभी तक चालू नहीं किया था तो इसीलिए टायर में कुछ घुस गया था। समोर गेल्यानंतर थोड़ी हवा वगैरह परत एकदा चेक करूँ, आता इथं जेवण करून समोर निघू इथून।
सो खूप वेळानंतर जेवण करतो आहे. एक दीड वाजता करायला पाहिजे होतं पण आत्ता अडीच वाजले होतं. पण भूक लागल्यानंतर जेवणाची मजाच वेगळी आहे. आणि त्याच्यासोबत आपल्या मित्रांनी कांदा दिला आहे, तो पण पांढरा कांदा आहे. फिर वहाँ पे खाना भी ना खाया और मुझे जबलपुर में रुकना था तो इसलिए मैं निकला वहाँ से. जैसे मैंने बोला ये विंटर रेनी सीजन के बीच वाला सीन था तो इसलिए बारिश बीच बीच में हो रहे थे और ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही थी. और जैसे नागपुर क्रॉस किया मैंने तो उसके बाद में जो है एक नेशनल पार्क आता है तो उसकी वजह से झाड़ी वगैरह बहुत था और इस वजह से बारिश भी बहुत वहाँ पर ज़्यादा हो रही थी. फिर मैं कुछ जगह पर रुकता था, कुछ जगह पर कंटिन्यू करता था. मित्रांनो, इथे जे आहे 5 मिनटं अगोदर जे पावसानं निव्वळ येण्यासारखं भिजवलं आणि आता समोर आलो तर इकडं पाण्याचा थेंब पण नाही आहे. खवासा बोल के एक जगह है, वहाँ पे पहुँच गया. मैंने पेट्रोल वगैरह फुल किया और निकलने वाला था बट फिर वहाँ पे बारिश रुकी नहीं रही थी तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो अभी जबलपुर तो 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से, अभी यहाँ पे रुक लेता हूँ. तो मैं अभी रुका हूँ खवासा में और यहाँ पे फिर से खतरनाक बारिश शुरू हुआ है जैसे थोड़ी देर पहले हमने देखा था. और यहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुका हूँ. हमारा गाड़ी अंदर लगा है, ऊपर थोड़ा सा ग्रीन पर्दा का है पर पता नहीं फिर भी बारिश से भीगेगा ही मुझे. साथ में खाना पीना लाया था, वो खाना पीना खाया और वहाँ पे ही पेट्रोल पंप पे रेस्ट किया. मॉर्निंग में दूसरे दिन मैं उठा अराउंड 5 o'clock और फटाफट रेडी हो गया वहाँ पे. ये इंद्र भाई है, इनका काफ़ी हेल्प हुआ कल क्योंकि पेट्रोल पंप पे सब था, वॉशरूम वगैरह. और फिर राइड चालू किया. वो नेशनल पार्क से जब राइड कर रहा था तो बहुत मस्त लग रहा था ऐसे. वो मतलब पूरा जंगल टाइप एरिया है और वहाँ का जो रोड है वो पूरा ऐसे ब्रिज की तरह बनाया है ऊपर से एकदम ऐसे. मतलब कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसे लगेगा कि आप ब्रिज के ऊपर हो. मतलब मैं एक जगह पे रुका था तो ऐसे पूरा वाइब्रेशन मुझे फील हो रहा था. प्रॉब्लम ना हो इसलिए वो रोड उन्होंने काफ़ी हाइट पे लेके काफ़ी अच्छे से बनाया था जो भी है. सो वहाँ से मैं निकला. अभी मुझे नेक्स्ट स्टॉप जो था वो था मेरा वाराणसी, जिसको बनारस भी बोलते हैं. उसमें एक दोस्त का फ़ोन आया तो ही सेड कि अगर वाराणसी जा रहे हो तो वहाँ पे विंध्याचल बोल के एक जगह है जहाँ पे 3 देवी के मंदिर है और वो काफ़ी फेमस है. बीच में सिर्फ मैं खाना खाने के लिए या कुछ पीना है तो उसके लिए रुकता था, बाकी कंटिन्यू राइड मेरा चालू था. 10-10, 15-15 घंटे गाड़ी चला रहा था क्योंकि मुझे 4 दिन में एनी हाउ गुवाहाटी में पहुंचना था. फिर विंध्याचल में मैं पहुंच गया. फिर विंध्याचल में जाने के बाद में मैंने डिसाइड किया कि अभी वाराणसी नहीं जाते हैं, यहाँ पर विंध्याचल में ही आज का स्टे करेंगे. विंध्याचल एक काफ़ी मतलब फेमस जगह है, टूरिस्ट जगह है. तो फिर वहाँ पे मैंने सोचा कुछ धर्मशाला वगैरह होगा तो थोड़ा सा R&D किया तो पता चला कि वहाँ पे एक धर्मशाला था. तो फिर वहाँ पे गाड़ी वगैरह लेके गया, वहाँ पे पूछा तो बोले कि हाँ जगह है. तो एक कुछ नॉमिनल फीस पे करके मैंने वहाँ पे स्टे किया और वहाँ पे एक दोस्त मिला बिहार का था तो उसके साथ में काफ़ी गप्पे हुए. मतलब ही वॉज सो नॉलेजेबल, UPSC की तैयारी कर रहा था. खाना पीना खाया वहाँ पर और वहाँ पर आराम किया. फिर दूसरे दिन सुबह में एकदम 4:30-5 बजे उठा, फटाफट रेडी हुआ. वहाँ पे वॉशरूम वगैरह इतना क्लीन नहीं था बट मैं रेडी हो गया. और फिर वहाँ से मैं आरती के लिए गया, आरती वगैरह लिया. वहाँ पे अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं था तो मैंने छोटा सा जो बाहर से जितना अलाउड था उतना मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लिया. और वो देवी का मंदिर सच में बहुत सुंदर था. आरती होने के बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पे गंगा नदी का ये भी है, पॉइंट भी है. मतलब नहाने के लिए जा सकते हैं. और मेरा बहुत मतलब बचपन से एक था कि एक आधी बार तो गंगा में जाके नहाएंगे. तो मैंने बोला चलो ठीक है. फिर से मैं गया गंगा नदी में जाके स्नान करके आया और फिर वहाँ से विंध्याचल से मैं निकला वाराणसी के लिए. वाराणसी मतलब बनारस में मुझे वो जो टेम्पल है वहाँ पर जाना था बट वहाँ पर नहीं जा पाया मैं क्योंकि भीड़ मतलब जो लाइन था वो बहुत लंबा था और मुझे दूर जाना था गुवाहाटी तो इधर आना था तो इसलिए पॉसिबल नहीं था. तो फिर मैंने बोला कि चलो बाहर से दर्शन ले लेते हैं. वहाँ पे मुझे कुछ ड्रोन शॉट लेना था बट अलाउड नहीं था
तो फिर मैंने दूर से दर्शन ले लिया और वहाँ से निकला। बट फिर भी वो सिटी के अंदर जाने के लिए बहुत ट्रैफिक था, तो इसलिए मेरा बहुत 2-4 घंटे वहाँ पर चला गया। तो इसीलिए ऑलरेडी राइड का जो स्पीड था बहुत कम हो गया। बीच में एक जगह पे आफ्टरनून में मैंने एक ढाबा था खेत में, तो वहाँ पे जाके खाना वीना खाया और फिर वहाँ से और राइड कंटिन्यू किया। फिर से बारिश हो रहा था तो एक जगह पे बारिश की वजह से रुक गया। फिर थोड़ा सा कम हुआ बारिश तो मैंने फटाफट पैकअप कर लिया और निकला हुआ। मेरा एक दोस्त है सिद्धराज, जिसने पैन इंडिया राइड किया, उसने बोला था कि बिहार में स्टे मत करना, हो सके तो बिहार के बाद में जो पॉइंट है, बिहार के बाद में सिलीगुड़ी बोल के एक जगह आएगा, वहाँ पे स्टे करना, उसके बाद में तू कंटिन्यू करना। तो फिर मेरा ऐसे हुआ कि मैं लेट हो गया था और कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा था, तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं पूरा रात में राइड करते हुए बिहार में पहुंच गया। मुजफ्फरपुर के एक जगह है, उसके पहले एक गांव आता है, उसका नाम पता नहीं, वहाँ पे एक टेंपल था हनुमान जी का, तो वहाँ पे मैं गया, रुका, बहुत तेज़ बारिश हो रहा था मतलब। फिर वहाँ पे एक दो लोगों को बोला कि मैंने बोला ये टेंपल में रुक सकता हूँ क्या मैं, तो उन्होंने बोला कि रुक सकते हो बट इतना सेफ़ नहीं है, रूम वगैरह देखो। फिर रूम देखने के लिए मुझे और 5 किलोमीटर पीछे जाना पड़ने वाला था, तो मैंने बोला पीछे तो नहीं जाऊंगा, चलो आगे ही चलते। फिर मैंने बोला चलो आगे देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। फिर मैं निकला वहाँ से और पूरा मतलब बारिश हो रहा था कंटिन्यू रात में। थोड़ा रिस्की था मतलब, मुश्किल था, बट मैंने सोचा कि चलो कर लेते। हाथ भी पूरे ठंडे हो गए थे बारिश की वजह से। तो फिर आगे गया, फिर चलते चलते मुझे ना मुजफ्फरपुर में रुकने का प्लान था, बट उसके पहले एक नाका आता है टोल नाका, और उसके साइड में एक ढाबा था। तो अब भी है यहाँ पे एक ढाबा है, ढाबे का नाम क्या है? बिहार लाइन एंड होटल ढाबा। सो अब भूख इतना लगा था कि पता ही नहीं चला खाना कब ख़त्म किया मैंने, और अभी वीडियो में आया नहीं मतलब क्या खाने के लिए था, बट एक मस्त आलू का सब्जी था, चावल, चपाती और दाल था, चने का दाल था ना, चने का दाल, टेस्ट एकदम बढ़िया था। खाना खाके मतलब मस्त लग रहा है, अभी थोड़ा एनर्जी आ गया है, अभी देखते हैं आगे का प्लान क्या होता है। फिर वहाँ पे ही मैंने उनको पूछा तो स्टे कर लिया वहाँ पे। वो ढाबे पे काफ़ी अच्छा वाइब था, पर गद्दे के नीचे मेरी नज़र गई तो उसने इतना बड़ा ऐसे चाकू था वो रखा हुआ था ऐसे, तो फिर मैंने बोला कि भाई ये किस लिए? बोलता है कि ये जस्ट सिक्योरिटी के लिए है ऐसे। मैंने बोला अच्छा ठीक है चलो। मैं सुबह लाइक 5 o'clock के आसपास उठ गया था, पूरा थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह किया और स्ट्रेचिंग वगैरह किया थोड़ा सा, और उसके बाद में अभी फ्रेश हुआ वहाँ पे है, वहाँ पे पूरा पानी वगैरह हफ्ती का फ्रेश पानी, वहाँ पे फ्रेश हो गया। अभी कितना टाइम हो रहा है? 6। हाँ, सो 5 बजे से लाइक आधा घंटा रेडी होने में और आधा घंटा सेटअप करने में, बट कोई नहीं चलो अभी निकलते। पूरा सेटअप रेडी हो गया है, बारिश वगैरह अभी थोड़ा सा कम हो गया है। जैसे ही मुजफ्फरपुर में पहुंच गया तो एक जगह पे फट जैसे आवाज आ गया, मैं एकदम ऐसे डर गया, मुझे लगा क्या हुआ यहाँ पे। 16 टायर वाला जो ट्रक रहता है तो उसका एक टायर फट गया था लिटरली, मतलब जो पीछे वाले ऐसे डबल टायर रहते हैं ना उसमें से अंदर वाला एक जो टायर था वो पूरा फट गया था। फिर और उसके तुरंत मतलब 1 मिनट के बाद में मैंने गाड़ी थोड़ा आगे लिया, मेरे गाड़ी का भी क्लच का प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी नहीं चल रहा है, गाड़ी का मतलब काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मैंने TVS रोड असिस्टेंस को फ़ोन किया, उन्होंने 2-3 नंबर दिया बट कुछ लग नहीं रहा था। राधिका एंटरप्राइजेस बोल के है, ये दरभंगा रोड पे ही है, और ये भाई मिले, इन्होंने अपना प्रॉब्लम 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। एक्चुअली क्लच का प्रॉब्लम आ रहा था, वो वाइब्रेट होने की वजह से शायद जाम हो गया था, तो बहुत मुझे लगा बहुत मेजर प्रॉब्लम है, मैं डर गया था तो थोड़ा रुक गया था, परेशान हो गया था 1-2 घंटे से, अभी सॉर्ट हो गया। और भैया ने एकदम राइड मार के लाया गाड़ी, एकदम बोल रहे टकाटक है, कोई टेंशन नहीं चल रहा है। चलो आपका नाम भैया? मेरा परशुराम हुआ। परशुराम, उसने राइड वगैरह किया और बोला कि अभी बिंदास जा सकते हो आप, टेंशन नहीं। तो फिर उसके बाद में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, मैंने बोला चलो अब एक बाइक तो मस्त है। फिर वहाँ से जो निकला तन 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 एकदम, भाई लिट्टी बना रहे हैं हमारे लिए ब्रेकफास्ट में। बिहार वगैरह क्रॉस किया मैंने,
यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता कर रहा हूँ। भैया ये गांव का नाम क्या है? ये भैया फैक्ट्री चौक है, गांव का नाम काकन है, काकन पंचायत। काकन पंचायत के पास में हम रुके। फिर बिहार के बाद में मैं सिलीगुड़ी में पहुंचा शाम के वक्त। रुकपुरी घोषणा है। हाँ जी, जो नाम उन्होंने बोला वहाँ पे रुका हूँ। तो हम यहाँ पे ये अभी ऑन द वे गाड़ी चालू ही रखा है, फटक से खा के निकलेंगे अभी यहाँ से जो सिलीगुड़ी के आसपास। मैंने कुछ खाया फिर वहाँ से निकला मैं, और फिर अगेन गूगल मैप से मैं जा रहा था तो गूगल मैप ने एक शॉर्टकट रास्ता दिखाया शायद, तो उसमें घुस गया और वो रास्ते का अगेन मतलब बहुत सारा काम चल रहा था रोड का, और वो गाँव वाला रास्ता था। दुनिया से बहुत दूर थी मंदिर हो मंदिर हिंदू लोग इधर रुक सकता हूँ ना। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी मैं कालीपुर में रुका हूँ, इधर अभी खाना खाने के लिए बैठे हैं सब लोग। यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो गए, ये दादा घर लेके गए थे अभी थोड़ी देर पहले। कैमरे में आ गए आप? दादा दादा कैमरे में आ गए आप? मॉर्निंग में फिर आराम से उठा, क्योंकि 200 किलोमीटर ही बचा था गुवाहाटी, तो मैंने बोला कि चलो आज आराम से जाएंगे। एकदम 7-8 बजे उठा सुबह। अली द्वार बोल के एक जगह है, फिर वहाँ तक रोड कच्चा था खराब का, फिर मैं धीरे धीरे से निकला। फिर से मॉर्निंग में भी बारिश हो रही थी, बट फिर मैं वहाँ पे एक जगह पे रुक गया। मुझे ये लास्ट डे पे एनी हाउ पहुँचना था, बट एक दिन डिले हो गया थोड़ा सा, रोड भी खराब हो गया था इसलिए। फिर जो क्लास था एक अटेंड करना था, तो मैंने वो ऑनलाइन ही ज्वाइन किया और बस आराम से चिल गाड़ी चला रहा था। तो चाय ब्रेक के लिए रुका हूँ यहाँ पे, अभी थोड़ा सर्दी हो गया है तो उनको चाय बनाने के लिए बोलूँगा। अदरक ज़्यादा डालना, दूध नहीं डाला तो चलेगा, काला ब्लैक टी सादा। और फिर गुवाहाटी में जो है फाइनली मैं शाम के वक्त अराउंड 4:35 में ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर से मैंने ब्रिज क्रॉस करके सिटी में एंटर किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। आगे मस्त एकदम राइट साइड में सनसेट हो रहा है और मैं मतलब गुवाहाटी में एंटर कर रहा हूँ ऐसे। यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में है वो 5:00 के आसपास जो है जल्दी सनसेट होता है कंपेयर टू पुणे मुंबई। सो अभी जस्ट पहुँचा हूँ, भाई नीचे आए थे, गाड़ी पार्क किया है और हालत थोड़ा सा टाइट हुआ है, ख़राब नहीं बोल सकते। सो अभी ये रूम है, बैग वगैरह रख देता हूँ सेटअप होके, खाना खा के आराम करेंगे। ये राइड था मेरा लॉन्गेस्ट राइड, कुछ प्रिपरेशन नहीं किया था, कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ डिसाइड नहीं था कि कैसे जाना है वगैरह क्या है, बस इतना पता था कि मैं कर लूँगा और मुझे ये था कि राइड करना है, लॉन्ग राइड करना है। सो दैट्स इट गाइस, अगर कुछ फीडबैक होगा तो कमेंट में ज़रूर डालना, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है उस पर मुझे ज़रूर पर्सनल मैसेज वगैरह कर सकते हो आप। दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड एंड हैव अ नाइस डे। Bye-bye.